नाम नव भारत के पास सोनिया गांधी से सवालों की लिस्ट है। सवाल नंबर एक, यंग इंडिया कंपनी कब बनी, जिसने लोन दिया था ये वो यंग इंडिया कंपनी है। यंग इंडिया कंपनी में किसका कितना निवेश है, यंग इंडिया कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, गांधी परिवार से वो डायरेक्टर हैं या नहीं है, ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर ये भी है कि अपने घर से ईडी दफ्तर जाएंगी सीधे सोनिया गांधी, उनके साथ राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगे। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के घर पहुंच चुकी हैं, जैसा कि जानकारी अभी रंजीता ने दी थी, पीछे वाले रास्ते से, 10 जनपद वाले रास्ते से सोनिया गांधी के घर पर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सोनिया गांधी से ईडी एडिशनल डायरेक्टर पूछताछ करेंगी। सोनिया से तीन चरणों में दरअसल पूछताछ की जाएगी, दस्तावेज दिखाकर सोनिया से सवाल जवाब किए जाएंगे। सोनिया के कहने पर आराम उन्हें दिया जा सकता है। सोनिया गांधी से महिला अधिकारी ही पूछताछ करेंगी। रिकॉर्डिंग की सुविधा वाले कमरे में दरअसल सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। बड़ी बात यह है कि अपना जवाब सोनिया गांधी लिखित में दाखिल करवाएंगी। जांच अधिकारी सोनिया का जवाब टाइप करती रहेंगी। सेक्शन 50 के तहत अपना जवाब खुद लिखेंगी सोनिया गांधी। और इस बड़ी खबर पर, बड़ी कवरेज के लिए हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज का रुख कर लेते हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, ईडी की तैयारियां क्या कहती हैं, किस तरह से सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि शुरुआती जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है वो ये कि महिला अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगी और सोनिया गांधी को आर्टिकल 50 के तहत अपना जवाब खुद लिखित देना होगा। और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, तीन चरणों में सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो होगी, जिसमें बीच बीच में उन्हें आराम जो है वो दिया जा सकता है। साथ ही साथ सवालों की एक फहरिस्त के साथ जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो सोनिया गांधी के सामने बैठेंगे। जाहिर तौर पर हमने देखा था कि राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई थी, तीन ऑफिसर की टीम ने राहुल गांधी से पूछताछ किया था और जो सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट है उसके तहत सोनिया गांधी को खुद अपना बयान जो है वो दर्ज करना होगा। हालांकि उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो टाइप कर सकती हैं या फिर वो लिखित में अपना बयान देंगी। निश्चित तौर पर उनको सुविधा भी दी जा सकती है, जिसके बाद जो बयान वो लिखवाएंगी उस पर वो लास्ट में हस्ताक्षर करेंगी। तो जाहिर तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी की पूरी तैयारी हो चुकी है, तीन चरणों में पूछताछ ये किया जाएगा और सवालों की एक फहरिस्त के साथ ईडी के अधिकारी जो हैं वो बैठेंगे। राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई थी, करीब 5 दिन की पूछताछ हुई थी, उसमें हमने देखा था कि जो सवाल थे, जिसका जवाब राहुल गांधी दे रहे थे, उसमें बीच बीच में कई बार ऐसा हो रहा था कि वो अपनी जवाबों को बदल रहे थे। तो ऐसे में काफी देरी हो रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि 5 दिन का लंबा वक्त जो है वो राहुल गांधी से लग गया था। ऐसे में ईडी जो है वो ऐसे सवालों की लिस्ट बनाकर बैठी हुई है जिसका जवाब आसानी से लिया जा सके। दस्तावेज तमाम जो है वो ईडी अधिकारियों के पास होंगे, जिसको दिखाकर सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ईडी दफ्तर की बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं। जाहिर तौर पर किसी को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। जिस तरीके से सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तैयारी की हुई है, प्रोटेस्ट की तैयारी की है, उसके मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इस पूरे रोड को, जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, इसे पूरी तरीके से आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है और जाहिर तौर पर प्रोटेस्टर इधर ना आ सके, इस वजह से एहतियात के तौर पर ये कदम जो है वो उठाए गए हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी की पूरी तैयारी हो चुकी है। करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सोनिया गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद जब सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी, उसके बाद वो एंट्री बुक में अपना नाम और पता जो है वो एंट्री करेंगी। उसके बाद उन्हें शपथ जो है वो दिलाया जाएगा कि जो भी तथ्य वो रखेंगी वो सही होगा। तो ये जो रूल बुक में जो तमाम प्रोसीडिंग प्रोसीजर होता है उसे उन्हें फॉलो करना होगा, उसके बाद उनसे पूछताछ किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है जो उनसे पूछताछ करेंगे और जिन ऑफिसर ने राहुल गांधी से पूछताछ किया है वही ऑफिसर इस पूछताछ में भी शामिल होंगे। लेकिन महिला जो एक अधिकारी होंगी वो भी पूछताछ में शामिल होंगी और एक सवालों के फहरिस्त के साथ फिलहाल ईडी जो है वो तैयार है। जी ठीक है,
अमित का भी रुख करेंगे। रंजीता कांग्रेस हेडक्वार्टर से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो ईडी की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, आप कितना वक्त है जब सोनिया गांधी अपने घर से निकलेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है ईडी दफ्तर 11:30 बजे पहुंचना है, तो क्या वो AICC के दफ्तर आ सकती है या फिर सीधे वो ईडी दफ्तर जाएंगी, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? अनुराग, आपके सवालों के जवाब से पहले जो ताजा अपडेट है वो मैं अपने दर्शकों से साझा करूंगी। पहली बात तो ये कि सोनिया गांधी जो पहले बताया जा रहा था कि 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, अब कहा जा रहा है कि 11:30 बजे वो 10 जनपद से ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। 10 जनपद के बाहर मैं मौजूद हूँ। प्रियंका गांधी अभी कुछ देर पहले सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची है, हालांकि वो पीछे का जो दरवाजा है जो जनपथ रोड की तरफ से है उस तरफ से एंट्री हुई है। अमूमन जो गांधी परिवार है वो उसी जो गेट है उसका इस्तेमाल करती है। जिस गेट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से जो अपॉइंटी है, जो जिनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है सोनिया गांधी से मिलने के लिए, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो इस दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पीछे का गेट है वो गांधी परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये माना जा रहा है कि आज भी सोनिया गांधी जब ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी तो उसी गेट का इस्तेमाल करेंगी। दूसरी चीज कि जो सांसद है वो संसद के अंदर प्रदर्शन और हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक होनी है, 10 बजे का समय है, 10 बज चुका है, बैठक वहां ऑल पार्टी जो विपक्षी पार्टी है उनकी शुरू हो गई है। AICC मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं, अलग अलग फ्रंटल के, चाहे वो सेवा दल के लोग हो, महिला कांग्रेस की नेता हो, यूथ कांग्रेस के नेता, तमाम जो कार्यकर्ता है, कई जो दूर से दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं वो कल ही यहाँ आ गए थे, क्योंकि कल ही इस इलाके को, खासकर अकबर रोड को पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया था, धारा 144 लगा दी गई है। न सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय बल्कि ईडी दफ्तर के आसपास की जो सड़कें हैं, चाहे वो जनपथ रोड हो, APJ अब्दुल कलाम रोड है, खान मार्केट का इलाका, उन तमाम जगहों पर धारा 144। तो प्रशासन की पूरी तैयारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तैयारी और सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में क्या सवाल किए जाएंगे इस पर सबकी नजर है। कहा यह जरूर जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ उसी तरह के सवाल होंगे जो राहुल गांधी से पूछे गए। हालांकि ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही थी कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी तो मोतीलाल बोरा का जिक्र किया उन्होंने कि मोतीलाल बोरा को कई चीजों की जानकारी है। और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, संसद में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग शुरू हो चुकी है, संसद में सत्र जारी है, इन सबके बीच में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग, क्या सोनिया गांधी की पेशी को लेकर भी किसी तरह की कोई चर्चा की जाएगी? जाहिर तौर पर सदन की कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़नी है इस पर तो रणनीति बनाई जाएगी ही, लेकिन संसद में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग शुरू हो गई है। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, एक तरफ तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से जो पूछताछ होनी है उसको लेकर लगातार कौतूहल मचा हुआ है, दूसरी तरफ हम देखें तो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी आपके पास इस बाबत? देखिए, विपक्षी पार्टी जो आज सदन के भीतर किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह सरकार को घेरनी है वो तो रहेगी ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि आम आदमी पार्टी MSP को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, जो कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वो वहां पर होंगे कि किस तरह से जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका मिसयूज कर रही है और राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसको निभाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, उसको लेकर एडजर्नमेंट मोशन भी दिया गया है। और वो लोग वहां पर गांधी प्रतिमा के पास जो जानकारी मिली है कि पहले प्रोटेस्ट करेंगे और इसके बाद मार्च करते हुए वो बाहर निकलेंगे और वहां से कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे, ताकि जब सोनिया गांधी निकले ईडी ऑफिस जाने के लिए राहुल और प्रियंका के साथ, तब उनके समर्थन में वो लोग सारे वहां पर खड़े हों। तो यहां पर साझा रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। करीब 10:30 बजे तक सारे लोग आपको वहां पर आ जाएंगे जो गांधी की प्रतिमा है। लेकिन सरकार जो BJP है वो एक बड़ा सवाल उठा रही है। BJP ये कह रही है कि जो कांग्रेस सत्याग्रह की बात कर रही है कि सोनिया गांधी को जो आज ED के सामने पेश होना है, तो कांग्रेस पूरे देश भर में सत्याग्रह बनाएगी। तो BJP का कहना है, थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह होगा जो सेंट्रल एजेंसी के प्रति जो रवैया है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब बेल पर दोनों राहुल और सोनिया बेल पर हैं, मामला कानूनी है और ये अभी भी कोई क्लीन चिट नहीं मिला है, तमाम जो कोर्ट पे लोग गए थे, चाहे लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक गए हों, लेकिन कहीं पर भी इनको राहत नहीं मिली। और ED जो है वो पूरे मामले की जो छानबीन कर रही है उसी दौरान उनसे पूछताछ करेगी और जानबूझकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई उस समय देश भर में जो हंगामा किया गया, तो ये एक एक तरह से BJP ये सवाल उठा रही है कि कैसे गांधी परिवार पहले पार्टी पर। सवाल ये भी अमित कि जो
विपक्ष अभी इस वक्त ऑल पार्टी मीट कर रहा है, विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन करके अभी मीट कर रही हैं, क्या उसमें सोनिया गांधी की इस पेशी, ईडी के सामने पेशी को लेकर किसी तरह का कोई कंसर्न होगा?